स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गोरखा रेजिमेंट, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। मौत से डरने वाले आपको कई मिले होंगे, लेकिन कुछ लोगों से मौत भी कांपती है। हार से डरने वाले आपको कई मिले होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हार भी कतराती है। डर से डरने वाले आपको कई मिले होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे उनसे जिनसे डर भी खौफ खाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोरखा रेजिमेंट की। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोलता है या फिर वो एक गोरखा है। ये वाक्य है भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। यूं तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसाल दी जाती है, लेकिन इसमें भी अलग अलग रेजिमेंट्स का अपना अपना महत्व है, जिसमें सबसे ज्यादा गोरखा रेजिमेंट का जिक्र होता है। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसकी मिसालें न सिर्फ भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट्स देती हैं, बल्कि दूसरे देश के सैनिक भी इनकी मिसाल देते हैं। आज से नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त से गोरखा की बहादुरी और उनकी रणनीति से दुनिया भर की सेनाएं खौफ खाती हैं। एक बार इनसे दुश्मन सेना का पाला पड़ जाए तो फिर सिर्फ उनका शव ही वापस आता है। ये पूरी तरह से दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देती हैं और अपने देश और सेना के लिए बेहद ईमानदार और बहादुर माने जाते हैं। इस रेजिमेंट के बारे में इतना सब सुनने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे इस रेजिमेंट का गठन कब और कैसे हुआ, आजादी से पहले ये रेजिमेंट कैसी थी, भारतीय सेना में इसका विलय कैसे हुआ, इस रेजिमेंट ने युद्ध में कैसे मदद की और इस रेजिमेंट की खासियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं गोरखा रेजिमेंट की गौरव गाथा। ओरिजिन ऑफ गोरखा रेजिमेंट। गोरखा नेपाल की एक जाति है जो स्वभाव से बहुत ही आक्रामक होती है। इसके साथ ही वो रक्षा करने के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए गोरखा का अर्थ प्रोटेक्टर भी माना जाता है। गोरखा रेजिमेंट का एक शानदार इतिहास रहा है। भारतीय सेना के गोरखा जवानों के अस्तित्व का इतिहास अगर खोजा जाए तो इसकी लकीरें गोरखा की पहाड़ी क्षेत्र की गहराइयों में ट्रीटी ऑफ सुगौली के साथ शुरू होती है। लेकिन इससे पहले भी देखें तो गोरखाओं को एक सैनिक के तौर पर 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिख एम्पायर की सेना में शामिल किया था, जहां पर गोरखाज ने सिख आर्मी को सर्व तो किया, लेकिन वहां पर वो अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पाए। गोरखा को पहचान दी अंग्रेजों ने जब 1816 में एंग्लो नेपाली वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली पर सिग्नेचर किए गए। इस संधि में नेपाल और अंग्रेजों के बीच तय हुआ कि ब्रिटिश भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा भर्ती हो सकते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी है, चलिए जानते हैं। ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल राजशाही के बीच 1814 से 1816 तक चले एंग्लो नेपाल वॉर के बाद हुई थी। दरअसल 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसारने में लगी हुई थी, तब बॉर्डर एरिया को लेकर नेपाल के साथ भी उसके टकराव हुए। इस समय नेपाल भी अपने गोरखा सैनिकों के साथ सीमा विस्तार में लगा हुआ था। 1767 में अंग्रेजों ने अपने 2500 सैनिक उन्हें रोकने के लिए भेजे, लेकिन पहाड़ी इलाका और कड़ाके की ठंड में गोरखाओं से जंग में सारे के सारे अंग्रेजी सैनिक मारे गए। अंग्रेजी सैनिक इस जंग में पीछे तो हट गए, लेकिन हार नहीं मानी। वो बीच बीच में गोरखाओं से युद्ध करते रहे, लेकिन 1814 में गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध छिड़ गया, जो 1816 तक चला। ये युद्ध उत्तराखंड के नालापानी में लड़ा गया था, जहां एक फोर्ट में कैप्टन बालभद्र कुंवर 600 लड़ाकों के साथ मौजूद थे। इन 600 लोगों में आधे तो स्त्री और बच्चे शामिल थे। उन लोगों के पास हथियार के नाम पर कुछ देसी तोड़ेदार बंदूकें और गोलियां, कुछ तीर धनुष, भाले खुकरी और कुछ ढलवा तोपे ही थी, जिन्हें कारीगर किले के अंदर ही ढाल रहे थे। इसके अलावा उनके पास था पत्थरों का विशाल ढेर, जो ऊपर से फिरंगी सेना पर बरसाने के लिए इकट्ठा किया गया था। दूसरी तरफ किले को घेर के खड़े थे 350,000 अंग्रेजी सैनिक, साथ ही 1,000 के आसपास रिजर्व सैनिक भी थे। इनके पास आधुनिक हथियार थे, जिसमें बंदूकों के साथ साथ लंबी दूरी तय करने वाली तोप भी शामिल थी। महीनों तक चले इस मुकाबले में गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, लेकिन आखिरकार जीत संख्या बल में अधिक और आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सैनिकों की हुई। लेकिन बालभद्र को ये हार नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो एक गोरखा था, वो जंग में जीत या मौत को ही अपना ध्येय यानी मोटो मानता था।
इसलिए उसने अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने से बेहतर महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल होना सही समझा। आगे चलकर उसने सिख युद्धों में बहुत नाम कमाया। गोरखाओं के साथ उस युद्ध में भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई हो, लेकिन गोरखाओं के साहस को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जब उन्होंने नेपाली गोरखा को लड़ते हुए देखा तो वो उनकी हिम्मत और बहादुरी पर विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए अंग्रेजों ने उनके साथ हारे हुए सैनिकों जैसा सलूक नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनकी वीरता को पहचाना और ब्रिटिश जनरल सर डेविड ऑक्टलोनी ने उन्हें अंग्रेजी सेना में शामिल होने की पेशकश की। इस तरह ब्रिटिश सेना में गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन को खड़ा किया गया और यहीं से शुरू हुआ एक गौरवशाली रेजिमेंट का कारवां। इस रेजिमेंट को लेकर ब्रिटेन के प्रिंस ने एक बार कहा था, इन द वर्ल्ड देयर इज ओनली वन सिक्योर प्लेस, दैट्स व्हेन यू आर बिटवीन गोरखास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल डेविड ऑक्टलोनी ने अपने दुश्मनों को अपनी सेना में भर्ती करने का एक जुआ खेला था, लेकिन यह कदम उनके लिए हद से ज्यादा फायदेमंद रहा। नेपाल से आए इन जवानों ने भारत में ब्रिटिश सेना को पैर जमाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चाहे वो एंग्लो सिख वॉर हो या फिर अफगान वॉर, हर जगह ब्रिटिश आर्मी ने इन गोरखा को जंग में सामने रखकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1914 तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स की 10 रेजिमेंट को स्थापित कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित गोरखा रेजिमेंट ने दोनों विश्व युद्धों के दौरान राष्ट्रमंडल सेनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पश्चिम में मोंटे कैसिनो से लेकर पूर्व में ट्रॉपिकन रंगून तक हर जगह कार्रवाई देखी गई। इसके अलावा उत्तर अफ्रीकी अभियान के दौरान अपने शत्रुओं पर गोरखा रेजिमेंट ने जिस तरह वॉर किया, जर्मन कोर भी उनके कायल हो गए थे। जर्मन कोर ने गोरखाओं के सम्मान में एक सर्टिफिकेट भी दिया था। गोरखा जिस युद्ध में गए वहां सम्मान अर्जित करके ही वापस आए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नवंबर 1947 में ट्रीटी ऑफ सुगौली को एक त्रिपक्षीय संधि में बदल दिया गया। इसके अनुसार नेपाल के गोरखाओं को भारतीय सेना में सेवा देने या यूके जाने का विकल्प दिया गया था। इसके साथ ही गोरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया गया। बंटवारे में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एथ और नाइन्थ गोरखा राइफल्स को भारतीय सेना में शामिल किया गया और सेकेंड, सिक्स्थ, सेवेंथ और टेंथ गोरखा राइफल्स को अंग्रेजों ने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। गोरखा रेजिमेंट के विभाजन के बाद ब्रिटिश सेना ने फैसला लिया कि ब्रिटिश सेना में शामिल होना गोरखा सैनिकों के लिए पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर होगा। इसके लिए उन्होंने वोटिंग करवाने का फैसला किया। नतीजतन 7वें गोरखा राइफल्स और 10वें गोरखा राइफल्स में मौजूद सैनिकों ने बड़ी संख्या में अंग्रेजों के साथ जाने से मना कर दिया। वो भारतीय फौज में ही रहना चाहते थे। नतीजतन भारतीय सेना ने उन सैनिकों के लिए 11th गोरखा राइफल्स नाम से नई बटालियन स्थापित करने का फैसला किया। इसके बाद गोरखा रेजिमेंट ने आगे चलकर कई जंगों में अपने साहस का प्रदर्शन किया और जीत हासिल करते हुए कई मेडल अपने नाम किए। तो आइए चर्चा करते हैं भारत और भारतीय सेना के लिए गोरखास द्वारा किए गए योगदान की। कंट्रीब्यूशन ऑफ गोरखा रेजिमेंट। गोरखा जवानों की वीरता आज की बात नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। जब भी कहीं जरूरत होती है तो गोरखाओं को वहां जरूर तैनात किया जाता है। 1947 के बाद से रेजिमेंट विश्व के अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न शांति अभियानों का हिस्सा रही है। 1961 में कांगो युद्ध में 3rd गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने गोरखा सैनिकों के लक्ष्य को सच साबित किया। कैप्टन सलारिया ने कांगो युद्ध में अकेले ही 61 दुश्मनों को खुखरी से मौत के घाट उतारा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना ही नहीं, कैप्टन सलारिया ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लेबनान और सियेरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी शामिल रहे। 1962 में चीन से युद्ध में, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अभियानों में भी गोरखाओं ने जांबाजी के साथ भाग लिया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान सिलहट की लड़ाई में गोरखा वो पहले भारतीय योद्धा थे जिन्होंने पहली बार हेलीबॉर्न ऑपरेशन के तहत अटैक को अंजाम दिया, यानी हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए युद्ध किया। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी जंगों में गोरखाओं ने शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस और बहादुरी का लोहा मनवाया है। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में वीरता के लिए अनेक पदक और सम्मानों से अलंकृत किया गया है। गोरखा रेजिमेंट ने आजादी से पहले बड़े पैमाने पर विक्टोरिया क्रॉस मेडल जीते थे।
भारत की स्वतंत्रता के बाद के समय में भी वीर गोरखा जवानों ने अपनी वीरता का परिचय जंग के मोर्चे पर बार बार दिया है। आजाद भारत में पहला अशोक चक्र सम्मान पाने वाले नर बहादुर थापा गोरखा रेजिमेंट के ही जवान थे। इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट के जवान अभी तक 3 परमवीर चक्र, 33 महावीर चक्र और 84 वीर चक्र से सम्मानित किए जा चुके हैं। 39 बटालियनों में 30,000 गोरखा सैनिकों के 9 रेजिमेंटों में विभाजित होने के साथ भारत के पास ऐसे कई बहादुर योद्धा हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके जनरल दलबीर सिंह सुहाग, पूर्व CDS और आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से लेकर CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 11th गोरखा राइफल से ही हैं। ये तो बात हुई उनके योगदान की, अब बात करेंगे इस रेजिमेंट की खासियत की। What makes the Gorkha Regiment special? दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट की स्पेशलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है उनका आदर्श वाक्य कायर हुनु भंदा मुर्नु रामरो, जिसका अर्थ है कायर होने से मरना बेहतर है, जिसको सुनकर दुश्मन युद्ध के मैदान में थर थर कांप जाता है। जय महाकाली आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ गोरखा रेजिमेंट हर वक्त दुश्मन और विरोधी सेना से लोहा लेने के लिए तैयार रहती है। गोरखा माँ काली या माँ दुर्गा को बहुत मानते हैं। गोरखा सैनिकों के अनुसार माँ काली उनको शक्ति प्रदान करती है। ये स्लोगन उनके अंदर जोश पैदा करता है। गोरखा जंग के मैदान में जब अपने नारों का जयकारा लगाते हैं तो उसको सुनकर ही दुश्मन भय से थर थर कांप उठता है। कहा जाता है कि जब भक्ति और शक्ति दोनों मिलते हैं तो एक गोरखा पैदा होता है। गोरखा जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी तैनाती तक भक्ति की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। जंग के मैदान में गोरखा फौजियों का दुश्मन का सफाया करना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। इसी युद्ध घोष के साथ कैप्टन मनोज पांडे ने कारगिल की लड़ाई में दुश्मनों के पांव उखाड़े। इसी युद्ध घोष के साथ परमवीर चक्र विजेता कैप्टन सलारिया ने शहादत दी थी और इसी युद्ध घोष के साथ मेजर धन सिंह थापा ने 1962 की लड़ाई में हिंदुस्तानी शौर्य से चीनियों का परिचय करवाया था। इस युद्ध घोष को सुनकर अच्छे अच्छों के प्राण पखेरू उड़ जाते हैं। इनकी दूसरी खासियत इनका हथियार है। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक हथियारों का आविष्कार हो गया, नई तकनीक नए उपकरण आ गए, लेकिन दुनिया के सारे हथियार एक तरफ और गोरखा सैनिकों का स्पेशल हथियार एक तरफ। उनका यह स्पेशल हथियार न सिर्फ उनकी रक्षा करता है बल्कि उनके सम्मान का प्रतीक भी है और उस हथियार का नाम है कुकरी। कहते हैं गोरखाओं की कुकरी रणभूमि में एक बार मयान से निकल जाए तो बिना दुश्मन का खून पिए वापस नहीं रखी जाती। गोरखा अपनी कुकरी को अपने सम्मान से जोड़कर देखते हैं, उसे अपनी इज्जत जितना बेदाग और चमकदार बनाकर रखते हैं, अपनी वफादारी और अपनी हिम्मत जितना धारदार बनाकर रखते हैं। गोरखाओं की कुकरी का सीधा संबंध उनके धार्मिक विचारों से है। गोरखाओं का मानना है कि कुकरी शिवजी के त्रिशूल का एक भाग है और वो शिवजी की तरह ही इसका सम्मान करते हैं। देखा जाए तो कुकरी गोरखाओं का इतिहास है, पहचान है, सम्मान है। ये उनके यूनिफॉर्म का एक हिस्सा है। अगर उनके पास कुकरी ना हो तो वो अपने आप को पूरा नहीं समझते, और अगर उनके पास कुकरी हो तो दुश्मन पूरा यानी साबित नहीं बच सकता। मयान से निकली कुकरी को देखकर दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। देखने में ये आपको कोई कटार या तलवार जैसी लग सकती है, लेकिन बारीकी से देखने पर यह बहुत दिलचस्प है। कुकरी की लंबाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका ढांचा कमोबेश एक जैसा ही होता है। कुकरी के साथ दो हथियार भी होते हैं जिसे चकमक कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कुकरी को धार देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये आग जलाने के काम भी आती है। हर गोरखा सैनिक को दो तरह की कुकरी दी जाती है, पहली जिसे वो हथियार की तरह प्रयोग करते हैं, दूसरी सेरिमोनियल यानी समारोह के दौरान इस्तेमाल होने वाली। ये हथियार उन्हें उस वक्त दिया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोरखा सैनिक सिर्फ कुकरी चलाने में ही माहिर हैं, बल्कि बंदूक पर भी उनके हाथ उतनी ही तेजी से चलते हैं जितनी तेजी से वे कुकरी चलाते हैं। कुकरी के अलावा गोरखाओं की खास पहचान है इनकी तीसरी स्पेशलिटी, उनके सर पर टिकी तिरछी टोपी, जो बीतते सालों के बावजूद उसी रौनक और उसी धमक के साथ वीर सैनिकों के सरों पर सजती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोरखा सैनिक अपनी टोपियों को इतने सलीके से क्यों पहनते हैं?
दोस्तों, इस टोपी का नाम है गोरखा तराई हैट। इस सिग्नेचर हेडगियर का नाम नेपाल के तराई क्षेत्र से लिया गया है। गार्ड ड्यूटी और परेड के दौरान पहनी जाने वाली चौड़ी चौड़ी टोपी खाकी रंग की फेल्ट से बनी होती है। चिन स्ट्रैप जो टोपी को एक साथ रखता है दाहिनी तरफ नीचे की ओर झुका होता है ताकि किनारा कान को छू ले। आप पूछ सकते हैं कि इसे इस तरह क्यों पहना जाता है, तो ये एक परंपरा है। हालांकि अन्य कारण भी हैं, जैसे गोरखा सैनिक कदकाठी से छोटे होते हैं। ये छोटे स्ट्रैप को एक्सप्लेन करता है ताकि वो लोग भी बाकी सैनिकों के समान दिखें। किसी भी सैनिक के लिए टोपी और पट्टे का आकार नहीं बदला जाता और इसे गोरखा परंपरा के समान ही रखा जाता है। टोपी का पट्टा होठों के ठीक नीचे रखा जाता है, जो हमेशा तना रहता है, जिससे बात करना मुश्किल होता है। ये उन्हें मुख के स्थान पर अपने कार्यों के साथ बोलने की याद दिलाता है। आज देश में 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर हैं। देश की रक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीदों ने इस सेंटर का नाम हमेशा गर्व से ऊंचा किया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजेय विजेता योद्धा बनते हैं। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली तौर पर काफी मजबूत हो जाते हैं और किसी भी हालात में देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग में छोटे बड़े हथियार से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है। इसमें सबसे अहम आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें सामने से दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। भारत की अलग अलग गोरखा राइफल रेजिमेंट सामूहिक रूप से रेजिमेंटल उद्देश्यों के लिए गोरखा ब्रिगेड के रूप में जानी जाती हैं। भारत से सरहदों की नजदीकी और संस्कारों का साझा इतिहास गोरखा रेजिमेंट पर साफ झलकता है। एक समय पर इस रेजिमेंट में सिर्फ नेपाल के जवान भर्ती होते थे और अब भारत के पहाड़ी इलाकों के गोरखा जवान भी इसमें भर्ती होते हैं। इसमें उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक के जवान शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों से आने के कारण गोरखा किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेता है और हर परिस्थिति में अपने आप पर काबू रखते हुए दुश्मन पर विजय पा लेता है। गोरखाओं का पराक्रम ऐसा है कि ब्रिटिश आर्मी और भारतीय सेना के अलावा भी और देशों में इनकी उपस्थिति है। ब्रुनेई के सुल्तान के पास खास गोरखा रिजर्व यूनिट है, तो सिंगापुर के पास अपना गोरखा कंटिंजेंट। लेकिन भारत की गोरखा रेजिमेंट की वीरता का दुनिया में कोई सानी नहीं। गोरखा सैनिक देखने में जितने सरल लगते हैं, दुश्मन के सामने उतने ही खूंखार हो जाते हैं। ऐसे ही है गोरखा। दो चेहरे हैं उनके, एक अनुशासन वाला और दूसरा विरोधियों के लिए खौफ का चेहरा। चाहे आतंक विरोधी ऑपरेशन हो या दुनिया के किसी कोने में लड़ा जा रहा युद्ध, गोरखा का नाम सुनकर दुश्मन आधी जंग वहीं हार जाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी गोरखा रेजिमेंट, जो 207 वर्षों से इंडियन आर्मी का गौरव है। हर गोरखा जवान उस सर्वोच्च परंपरा का प्रतीक है, जहां देश ही सबसे पहले होता है। अपने निर्माण से लेकर अब तक छोटे कद काठी के ये अद्भुत सैनिक, जो अपने कर्म के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं, ऐसे महान योद्धाओं को न कोई टक्कर दे सका है, न भविष्य में दे पाएगा। जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।